नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा मंडान और आप देख रहे हैं इस वक्त केपीपीएन न्यूज। रुक करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग कर्मचारी महासभा ने बलरामपुर चीनी मिल की इकाई रोजा गांव मिल गेट पर मिल के सभी श्रमिकों ने रविवार को एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी श्रमिकों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। वहीं इस मौके पर प्रदेश महामंत्री उमाशंकर मिश्र व यूनियन के शाखा अध्यक्ष उमानाथ यादव, उपाध्यक्ष राम सेवक यादव, शाखा मंत्री मोहम्मद वसीम, सहायक मंत्री सुरेंद्र कुमार मिश्र, छोटेलाल यादव, राम सहाय गौड़, राम तेज वर्मा, अनूप पांडे, विक्रम पटेल व रंजीत सिंह सहित मिल के सभी श्रमिक उपस्थित रहे। आयोजित मीटिंग में मिल प्रबंधक द्वारा श्रमिकों का शोषण व मेडिकल भत्ता, डबल ओवरटाइम आदि की मिल द्वारा जो कटौती की जा रही है, उन्हीं सभी समस्याओं से संबंधित सभा की गई, जो पिछले 2 वर्षों से उपश्रमायुक्त द्वारा चल रही कार्यवाही पर मिल रही प्रबंधक द्वारा हठधर्मिता के चलते सभी तक निर्णय नहीं हो सका है और अगली तिथि 26 फरवरी है। इस तिथि पर अगर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तब सभी श्रमिक अपनी अगली रणनीति बनाकर मिल गेट पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अयोध्या से केपीपीएन न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। मजदूर सभा का मैं यहाँ कर्मचारियों यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मना थी यादव। यहाँ मैं 2 साल से कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है, उसके लिए हम श्रम आयुक्त के यहाँ इन लोगों जाके इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज हमने यहाँ आम सभा किया और अपने कर्मचारियों से वार्ता की है कि अगर 26 फरवरी को उन्होंने टाइम दिया है कि हम इन लोगों की जो मांग है उनको हम पूरा करेंगे, अगर ये 26 फरवरी को मांग को पूरा नहीं करते हैं तो मेल गेट पर हम लोग यहीं बैठ कर धरना देंगे। जब तक ये लोग उन नियम को पालन नहीं करेंगे तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। बिजली कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, उन सबसे अच्छी तनख्वाह होती है। इनका फर्स्ट बेस लोड, सेकंड बेस लोड बहुत पहले आया था। इनके जो स्टैंडिंग ऑर्डर है सेवा नियमावली वो पूरे प्रदेश की एक है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत बुरी दशा है। नंबर एक, उद्योग में बेज लागू है कानूनन, फर्स्ट बेज बोर्ड, सेकंड बेज बोर्ड, थर्ड बेज बोर्ड और उसके बाद आज है 3 बेज बोर्ड और स्टेट लेवल पर कमेटी का, जिसका मैं कन्वीनर रहा हूँ पूरे प्रदेश का 2004 से 8 से 13 में। लेकिन यहाँ मजदूरों को बेज बोर्ड के हिसाब से तनख्वाह नहीं देते, इन्होंने बांट रखा है। कुछ को तो एग्रीमेंटल के नाम से तनख्वाह कुछ ज़्यादा देते हैं जो बेज बोर्ड में हैं। 70% ऐसे लोग हैं जो बेज बोर्ड की तनख्वाह से बहुत कम पाते हैं, स्वीपर हैं, माली हैं, सिक्योरिटी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं और रेगुलर काम भी आउटसोर्स जिनसे कराते हैं। अभी एक लड़का यहाँ बात कर रहा था, उसके फादर यहाँ काम करते थे, उनकी डेथ हो गई 2012 में। अब उस लड़के को नौकरी ना दे करके वो आउटसोर्स यहाँ ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहा है। ऐसे कई लड़के हैं जिनको उनके पिताजी यहाँ काम करते हैं, अपना जीवन देते हैं, डेथ हो जाती है। तो ये मजदूरों का शोषण चीनी उद्योग में बहुत बढ़ा है। हम लोग संगठित होकर के, हमारी बेज रिवीजन की मांग है, उसके लिए प्रदेश सरकार ने 19 में 4 सितंबर 2019 को एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी में हम लोग भी, कर्मचारियों के भी प्रतिनिधि हैं, सेवायुक्तों के भी प्रतिनिधि हैं और लेबर कमिश्नर उसको कन्वीन कर रहे हैं, उसके कमेटी के चेयरमैन हैं। उसकी बैठक एक तो पहले 19 में हुई थी, 20 में कोरोना आ गया और अभी दूसरी बैठक दिसंबर में हुई थी 2020 में। 17 तारीख को मीटिंग लगी थी अभी फरवरी को, लेकिन लेबर कमिश्नर छुट्टी चले गए, वो एक्सटेंड कर गया है, अब 9 मार्च को होगी। तो बेज रिवीजन 19 में हो जाना चाहिए, 18 तक इनका था, 1 अक्टूबर 2018 से बेज रिवाइज हो जाना चाहिए। तीसरी साल लग गया, अभी तक बेज रिवाइज नहीं हुआ। दूसरी बात, स्टैंडिंग ऑर्डर का खुला उल्लंघन है। मोस्ट सीनियर ये राम सेवक। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की।